नमस्कार, दुनिया की महान अपॉर्चुनिटी में आपका स्वागत है। आपसे बात करना इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। पिछले 14 वर्षों से लगातार अभ्यासरत रहते हुए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सेफशॉप को करना, समझना व अनुभव लेना मेरे लिए वरदान साबित हुआ है। आज से 14 साल पहले मैं इस इंडस्ट्री को लेकर शून्य था, हालांकि आज भी अभ्यासरत हूँ और लगातार सीख व समझ रहा हूँ। मैंने अनुभव किया है कि हम सिर्फ किताबों से ही नहीं सीखते, दूसरों को सुनकर ही हमारा अनुभव नहीं बढ़ता, बल्कि हम लोगों के बीच में जाकर व उनसे रूबरू होते हुए भी सीखते हैं। और इसी क्रम में मेरा भी सीखना लगातार जारी है। जैसा मैंने पहले ही कहा कि यह अपॉर्चुनिटी मेरे लिए वरदान साबित हुई है, न बल्कि मेरे लिए बल्कि मेरे जैसे हजारों स्वप्नदर्शियों के लिए भी यह वरदान साबित हुई है। इंडस्ट्री को जितना हम समझते हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा बड़ी व महत्वपूर्ण है। ये इंडस्ट्री आज के समय की मांग है और आने वाले समय के लिए वरदान है। मैं अपने बारे में बात करूं तो सेफशॉप जैसे बिजनेस को करना व इतने विजनरी डायरेक्टर्स का साथ होना ये मेरे लिए संयोग ही था, या यूँ कहूँ तो तोहफे की तरह था। लेकिन 14 साल तक लगातार बने रहना व इतनी अद्भुत सफलता लेना ये महज एक संयोग नहीं था। इस बिजनेस को जब ज्वाइन किया उस समय यहाँ से अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा न थीं, लेकिन इसके बावजूद मुझे अपार सफलता व अनुभव प्राप्त हुआ। इसका श्रेय मैं यहाँ पर रन करने वाले सिस्टम को देना चाहूँगा। सिस्टम के स्वरूप ने मेरे माइंडसेट को बदल कर रख दिया। इस बिजनेस में बड़ी सफलता पाने के लिए एक अच्छा अपलायन होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मैंने फील किया है। मैं सौभाग्यशाली रहा कि मुझे शुरुआत से ही दो ऐसे व्यक्तित्व की संगत मिली जो सिस्टम के ट्रू फॉलोवर थे, श्री ओम प्रकाश जी और श्री नरसिंह ग्रेवाल जी के रूप में। ऐसा बोला जाता है कि जो आपकी आँखें देखती हैं वह कान लगातार सुनते हैं, वो आपकी माइंड प्रोग्रामिंग कर देते हैं। वैसा ही ये दोनों ही व्यक्तित्व डिफेंस बैकग्राउंड से थे, मतलब अनुशासन के पक्के। ये हमेशा मीटिंग्स में टाइम से पहले होते थे। मैं इनको बहुत ही गौर से देखा करता था, नोट करता था, और मैं आपके साथ ज़रूर कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा कि किस तरह से मैंने इसमें शुरुआत की और किस तरह से मैं धीमे धीमे करके एक एक पायदान चढ़ा। जैसा मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि ये दोनों डिसिप्लिन के बहुत पक्के थे, हमेशा मीटिंग में टाइम से पहले होते थे, ट्रेनिंग में हमेशा समय से पहले पहुंचते थे। हालांकि वो सीनियर थे और उनको हक था लेट आने का मीटिंग में, लेकिन शायद मुझे लगता है कि उनकी फौज की ट्रेनिंग का डिसिप्लिन उनको स्वतः ही समय पर ला देता होगा। ये सब मैं वॉच करता था। वो हमेशा ही कपड़े जो पहनते थे नित नए नहीं होते थे, लेकिन उनका एक सलीका होता था पहनने का जो कि बहुत ही आकर्षक होता था। वो जब भी मंच पर होते थे सभी सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। मुझे लगता है कि वो तैयारी करके आते होंगे शायद। मैं बारीकी से नोटिस करता था, चूँकि मैं एजुकेशन फील्ड से था, मंच पर रहना, लोगों से बात करना, इन सारी चीज़ों को मैं समझता था। मैं नोटिस करता था कि सर लोगों से ढेर सारे लोग हाथ मिलाते थे, तो वो सभी जेंट्स से हाथ मिलाते व गले मिलते थे, लेकिन लेडीज एसोसिएट को हाथ जोड़कर ही नमस्कार करते थे, उनसे भी जो महिलाएं उनसे हाथ मिलाना चाहती थीं। इन सारी चीज़ों को मैं बहुत नोटिस करता था। उनके अंदर डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा था, साथ ही केयरिंग की भावना भी बहुत ज़्यादा थी। मुझे याद है कुछ एक सप्ताह तक मैं एब्सेंट था, तो ओम प्रकाश जी मेरे घर पर ही पहुँच गए सुध लेने के लिए और मुझे मोटिवेट करते रहे। उनका जोश एक्साइटमेंट देखते बनता था। वो जब भी मीटिंग में आते थे मीटिंग में एक माहौल बन जाता था, और हमेशा ही टीम के सभी लोग उनका वेट किया करते थे और उनकी डिमांड भी करते थे। इन सब चीज़ों ने मेरे माइंड की प्रोग्रामिंग कर दी। मुझे लगा कि मैं कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन इतने मेहनती लोगों के साथ रहूँगा तो मेरा कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, तो मैं भी लग गया अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए, संवारने के लिए। शुरुआत में ग्रेवाल जी जॉब में थे, लेकिन मैं देखता था कि वो उसमें से भी समय निकालते थे, हमेशा इस बिजनेस को प्रायोरिटी पे रखते थे और टीम का साथ देने के लिए कभी भी हिचकिचाते नहीं थे।
मेरे को भी उन्होंने बोला कि मैं कंधे से कंधा मिला के साथ में काम करेंगे, और हुआ भी यही। एक सर्टेन टीम बन जाने के बाद वो फुल टाइम आ गए और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए शुरुआत कर दी। धीरे धीरे मेरी भी शुरुआत हो गई सफलता की ओर अग्रसर होने की। इस दरमियान में मैंने सीखा कि सिस्टम को फॉलो करना और एक्साइटेड रहना कितना महत्वपूर्ण है। मैं बात करूं शुरुआत के दिनों की, तो मुझे गोल्ड बनने के बाद एक जयपुर में एक वर्कशॉप अटेंड करने का मौका मिला के रॉयल्टीज में। वहाँ कंपनी के डायरेक्टर साथ में थे, वन नाइट का वर्कशॉप था। मुझे वहाँ पर ये मौका मिला उनके साथ में रहने का, समझने का, नज़दीकी से सारी चीज़ों को समझने का, किसी भी मीटिंग का मैनेजमेंट कैसा हो, ये सब मैंने वहाँ से सीखा। विज़न क्या होता है ये मुझे जानने का मौका मिला। ये वर्कशॉप मेरे लिए यू टर्न साबित हुआ। मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा, इस तरह के वर्कशॉप जब भी आपको मौका मिले अटेंड करने के लिए, कभी भी आप चूकना मत। ये आपकी ज़िंदगी में भी यू टर्न साबित करने वाले हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे दो करिश्माई व्यक्तित्व से मिलने का मौका मिला। एक मेरे रूम पार्टनर थे श्री राजीव चतुर्वेदी सर के रूप में, और दूसरे बहुत ही अद्भुत पर्सनैलिटी श्री संजय जैन जी। इन दोनों से मेरी रूबरू मुलाकात हुई और मैं इनसे मिलकर के बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ। श्री राजीव चतुर्वेदी सर सीनियर होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे बराबर का सम्मान दिया व कम्फर्टेबल फील कराया। मेरी नज़रों में अत्यधिक ऊर्जावान व्यक्ति, रिश्ते बनाने और निभाने में कुशल और एक रियल लेजेंड, आज की डेट में मैं उनको बोलना चाहूँगा। साथ ही इस बिजनेस की बागडोर को एक नई दिशा देने वाले सिकंदर, एक ग्रेट लेजेंड श्री संजय जैन जी के रूप में उनको भी करीब से देखने का, जानने का मौका मिला। उनसे मिलने के बाद मेरा विश्वास बहुत बढ़ गया। मुझे लगा कि इतने विजनरी लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं और इन लोगों की गाइडलाइन हमको मिलने वाली है। मैंने देखा कि वो इतने अत्यधिक सफल क्यों हैं। वे सिस्टम के ट्रू फॉलोवर, क्रिएटर और हमेशा कुछ न कुछ तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सोचने वाले व्यक्तियों में से एक है। वे किसी भी छोटे से छोटे काम को कुशलतापूर्वक कैसे किया जाए, सिस्टम के माध्यम से अंजाम कैसे दिया जाए, इन सारी चीज़ों में वो हमेशा बिलीव करते थे। उनका मानना है कि किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिलाने की बजाय खाना पकाना या खाना कमाना सिखा दो, ताकि वो जीवन भर के लिए सक्षम हो जाए। मैंने देखा कि हमेशा ही वो जागरूक, सीखने की ललक व टीम के तरक्की के लिए सिस्टम को कैसे अपग्रेड करें, हमेशा से ही उनका ऐसा प्रयास रहता था। मुझे याद है वो शुरू में आगरा आए तो कुछ ऑडियो कैसेट साथ में लेकर के आए थे और हमको सलाह दी उनको सुनने की। तो इसे ग्रेवाल सर ने बड़ा इनिशिएट किया, उनकी कुछ कॉपी कराई गई और हमने सुना तो लगा कि हम तो कुएं के मेंढक हैं और इस बिज़नेस के पोटेंशियल को, इस इंडस्ट्री की पावर को, इस बिज़नेस में क्या पावर है, वो सारी चीज़ों को हमको बड़ा ही समझने का मौका मिला। मैंने उन ऑडियो को सुना तो मुझे लगा ये इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, और जब इस तरह की सारी चीज़ें समझ में आने लगीं तो माइंड की प्रोग्रामिंग हमारी होने लगी। हालांकि उस समय पर इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, हमको सेल वाले वॉकमैन, ऑडियो प्लेयर वगैरह के अरेंजमेंट करने पड़ते थे, उन्हीं से हम सुनते थे। आज का समय तो बहुत तरक्की का है, आज टेक्नोलॉजी बहुत हाई है। मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा उस समय पर ग्रेवाल जी इन चीज़ों को बहुत इनिशिएट करते थे, और मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि आप भी ग्रेवाल सर की तरह लाखों की टीम बनानी है तो आपको सुविधाएं और टेक्नोलॉजी आपके पास ज़्यादा है। आप इन सारी चीज़ों को सुने, जब भी आपको ऑडियो सुनने का मौका मिलता है, ट्रेनिंग सुनने का मौका मिलता है और नॉलेज को अपग्रेड करने का मौका मिलता है, तो आप ज़रूर इनिशिएट करें। संजय जैन जी के पास हमेशा ही कोई ना कोई बुक या कोई ना कोई ऑडियो कैसेट में हमेशा से वॉच करता था। मैं देखता था वो जब भी आते हैं तो उनके बैग में कोई ना कोई किताब होती है, किताब को साथ में रखते थे। मैं देखता था कि उनमें उनके कान में लीड लगी रहती थी, वो हमेशा सुनते रहते थे, और यही सारी चीज़ों को मैंने डुप्लीकेट करते हुए ग्रेवाल सर को भी देखा। मैंने देखा उस समय पर एप्पल का आईपॉड सर ने ख़रीदा और उसमें सारी ट्रेनिंग्स उसमें डाला, सैकड़ों ट्रेनिंग्स थी उसमें, और हमेशा उसको ट्रेन में सफ़र करते समय सुना करते, और शायद यही उनकी कामयाबी का राज रहा, शायद यही उनकी नॉलेज, इतनी ज़बरदस्त नॉलेज का राज रहा कि उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी में अद्भुत अपग्रेड किया। और आप जानते ही हैं कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो सर लोग जब इस तरह की चीज़ों में बिलीव करते थे, हम लोग उनके साथ में थे, तो हमारे ऊपर भी प्रभाव पड़ने लगा और धीरे धीरे करके हम भी इन सारी चीज़ों को सुनने में बिलीव करने लगे और सुनना शुरू कर दिया। उन सारी चीज़ों का प्रभाव हमारे ऊपर इतना ज़्यादा पड़ा कि इस बिज़नेस की ताकत हमको समझ में आने लगी धीरे धीरे, इस इंडस्ट्री की ताकत हमको समझ में आने लगी धीरे धीरे। अक्सर हम शुरुआत में काम करते थे तो फील्ड पर जो परेशानियाँ आती थी
अक्सर जो लोग हमें बोला करते थे, नेगेटिव फीडबैक मिला करता था, वो सारी चीज़ें बेअसर होने लगी, क्योंकि इस बिजनेस की ताकत को हम अंदर से समझना शुरू कर दिया। लॉजिकली हमको बातें समझ में आना शुरू हो गई और धीरे धीरे करके क्या हुआ, वो सारी चीज़ें बेअसर होने लगी और इस बिजनेस के में धीमे धीमे करके हमारी तरक्की होना शुरू हो गई। मुझे याद आता है कि जयपुर वर्कशॉप से लौटते हुए कुछ ही दिन बाद संजय जैन जी ने कई रातों की नींद शायद लगाई होगी और एक दिशा वर्कशॉप का निर्माण कर दिया। इतने क्रिएटिव व्यक्ति मैंने कभी देखे नहीं, और उस वर्कशॉप को बनाया, तैयार किया और हमको इनवाइट किया और हमको सरप्राइज कर दिया। हम दिशा वर्कशॉप के बारे में बोलना चाहूँगा कि हमारे बिजनेस को शून्य से लेकर के और आज इतने बड़े मुकाम पर लाने में दिशा वर्कशॉप ने ब्रह्मास्त्र का काम। ऐसा बोला जाता है कि डायमंड की कीमत भी तभी बढ़ती है जब उसे तराश दिया जाता है, तराशने के बाद वो की बेशकीमती हो जाता है। ठीक उसी प्रकार डायमंड लेवल अचीव करने में भी सिर्फ टीम साइज ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि आपका व्यक्तित्व निर्माण भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। और व्यक्तित्व निर्माण में संजीवनी बनी दिशा वर्कशॉप। इस दिशा वर्कशॉप को हमने प्रमोट किया, हमने समझा, खुद अटेंड किया और धीरे 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 करके हमारे लोगों को विज़न मिलने लगा, हमारे लीडर्स को विज़न मिलने लगा, और उसी विज़न को लेकर के ढेर सारे लीडर्स जो थे वो फुल टाइम काम करने के लिए हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला करके साथ में आ गए। इस वर्कशॉप का ऐसा जादू चला, वो जादू फिर चल ही गया और धीरे धीरे करके काम हमारा तेज़ी से चलना शुरू हो गया। मैं ऐसे ही बोलना चाहूँगा कि दिशा वर्कशॉप की वजह से सिस्टम को फॉलो करते हुए हमारी जो पैसेंजर रफ्तार थी ट्रेन की, वो एक्सप्रेस में बदल गई, काम बहुत तेज़ी से होना शुरू हो गया। मैंने इस दरमियान में सीखा कि हमेशा वेन्यू पर ड्रेस कोड का ध्यान देना चाहिए। चूँकि मैं अपनी अपलायनों को हमेशा देखा करता था, वो समय से पहले पहुँचते थे, हमेशा नए कपड़े न होने के बजाय उन्हीं को बड़े सलीके से पहनते थे। मैंने सीखा और उनको मैंने अमल करना शुरू किया। मैंने देखा कि हमेशा ही उनके जूते चमकते रहते थे और ये सारी चीज़ों का प्रभाव हमारे ऊपर भी होना शुरू हो गया। समय से पहले वेन्यू पर पहुँचना मैंने सीखा, साथ ही मैंने सीखा कि मेरे अपलायन श्री ग्रेवाल जी, वो ट्रेनिंग में लास्ट की चेयर पर बैठते थे, हमेशा हाथ में डायरी पेन होता था और पॉइंट्स को नोट करते थे। सामने मंच पर ट्रेनिंग जूनियर लीडर्स लिया करते थे, उसके बावजूद भी वो पॉइंटों को नोट करते थे। एक बार मैंने जानना भी चाहा, सर आप ऐसा क्यों करते हैं, ये तो आपके जूनियर हैं, आपकी डाउनलाइन है। सर ने जवाब दिया कि ये बिजनेस डुप्लीकेशन पर आधारित है, जो हम करते हैं वो लोग करते हैं, न कि वो जो हम बोलते हैं उसे लोग नहीं दोहराते, जो हम करते हैं लोग उसे दोहराते हैं। अगर मैं पार्किंग में खड़ा हो जाऊंगा तो टीम के लीडर्स भी पार्किंग में खड़े रहेंगे, मैं ट्रेनिंग में बैठूंगा तो टीम के लीडर्स भी वेन्यू पर ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। ये बात मेरे दिमाग में क्लिक कर गई और फिर मैं भी लगातार ट्रेनिंग में आता रहा, ट्रेनिंग में बैठता रहा और हमेशा ही टाइम से पहले पहुँचता रहा, वेन्यू की ट्रेनिंग्स को महत्व देता रहा। और उन्होंने एक बात और बताई कि स्टेज हमेशा गुरु गद्दी होती है और गुरु गद्दी पर जो व्यक्ति बैठा होता है, वो कोई भी क्यों ना हो, उसके मुँह से कोई ना कोई ऐसी बात जरूर निकलती है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसलिए भी हमको सामने वाले की बातों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। तो मुझे ये सारी चीज़ें समझ में आईं और इनको मैंने अमल करना शुरू कर दिया। मैं देखा करता था कि वेन्यू पर प्रोजेक्टर समय पर लग जाया करता था, सुविधाओं का अभाव जरूर था लेकिन एक्साइटमेंट में कोई कमी नहीं थी। मैं उनको देखा करता था कि शुरुआत के समय में कई एसोसिएट ऐसे हुआ करते थे कि ग्रुप मीटिंग के लिए उनके पास सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, छत पर ही चटाई बिछाकर ग्रुप मीटिंग के लिए अपना वक्त दे दिया करते थे, जो उसमें कोई कमी नहीं थी, एक्साइटमेंट में कोई कमी नहीं थी, मेहनत करने के लिए तैयार थे। और यही इन सारी चीज़ों से हमारा टीम वर्क बना और धीरे धीरे करके जो काम था वो बहुत विशाल होने की शुरुआत हो गई। मैं उस दरमियान की कुछ बातें और शेयर करना चाहूँगा। एक समय ऐसा था जब हमारा बिजनेस थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ, मैं रिव्यू करता हूँ तो रिव्यू करने पर पता चला कि हमारी टीम में कोर लीडर्स की संख्या ना के बराबर थी। मुझे पता चला, फाइंड आउट किया कि इंडिपेंडेंट प्लानर्स की संख्या बहुत कम थी, ना के बराबर थी। हमारे अलावा स्टेज पर प्लान लेने वाले, वेन्यू को कंडक्ट करने वाले लोग ना के बराबर थे। वेन्यू पर भी लोग कम ही आते थे, लीडरशिप सेकेंड लेवल की बिल्कुल भी नहीं थी, नज़र नहीं आती थी। तो ये इन चीज़ों को हम बहुत छोटा समझते थे लेकिन इन चीज़ों का प्रभाव टीम पर बहुत ज़्यादा पड़ा, जिसका खामियाजा हमको भुगतना भी पड़ा। तो हमने कमिटमेंट किया, अपनी अपलाइन के साथ बैठे कमिटमेंट किया और अपनी गलतियों को सुधारने का दृढ़ निश्चय किया।
अपनी कमजोरियों पर वर्क किया, फिर हमने रेगुलर ग्रुप मीटिंग को फोकस किया, फिर हमने रेगुलर कोर ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, हमने रेगुलर टॉप 30-40 लीडर्स को मीटिंग में बुलाना शुरू किया और उनकी मीटिंग को कंटिन्यू जारी रखा। मीटिंग पार्क से शुरू हुई, धीरे धीरे नॉर्मल होटल में, फिर और अच्छा, फिर और अच्छा, फिर और अच्छा, और ऐसे करके 5-star होटल तक हम लोग पहुँचे। हमने टूल्स प्रमोशन को विशेष ध्यान दिया, हमने सिस्टम को फर्स्ट रखा, अपनी अपलायन को फर्स्ट रखा, सिस्टम को प्रमोट किया, अपनी अपलायन को प्रमोट किया, और धीरे धीरे करके चमत्कार ये हुआ कि हम भी प्रमोट हो गए। हमने सेकेंड लाइन लीडरशिप को और थर्ड लाइन लीडरशिप को भी निखारा, प्रमोट किया। हमने जिम्मेदारी को समझा, निभाया। मुझे लगा कि जहाँ से मेरी आईडी शुरू होती है वहाँ से दोनों लोगों की जिम्मेदारी मेरी है और सारी की सारी जिम्मेदारी मेरी है। ये जिम्मेदारी को समझा, उसका एहसास हुआ और धीरे धीरे करके फिर से जो कारवां था वो बड़ा हो निकला। इस घटना को मैं ऐसे बताना चाहूँगा मेरे शब्दों में, वो एक समय जो आया, जो डाउनफॉल हुआ, तो ऐसे मैं मानता हूँ कि इस बिजनेस को जिस सोच के साथ मैं कर रहा था, तो शायद मैं ऐसे समझता हूँ कि एक व्यक्ति है जो दो मंजिला एक बढ़िया खूबसूरत इमारत बनाना चाहता है, तो दो मंजिला इमारत बनाने के लिए उसकी नींव भी उसी प्रकार से भरी होगी उन्होंने, और तैयारी बेसमेंट की भी उसी हिसाब से की होगी, और वो दो मंजिला मंजिल का निर्माण होना शुरू हो गया। लेकिन ये मेरी चाहत थी, तो शायद मैं इतनी से छोटे ड्रीम के साथ काम कर रहा था, लेकिन शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। उसको लगा था कि शायद इसकी मंजिल इमारत जो है वो दो नहीं बल्कि 100 होना चाहिए। तो दो मंजिला इमारत की जो बेसमेंट होती है, बेस होती है, नींव होती है, और 100 मंजिला इमारत की में अंतर तो होता ही होगा। और शायद ईश्वर को लगा कि इसके जो सपने हैं या ये डिजर्व करता है बहुत ज़्यादा, और इसके लिए उन्होंने क्या किया, पुराने वाले बेस को, पुराने वाले नींव को हटाया और साइड किया। उसके बाद में फिर से एक नई नींव, नया स्ट्रक्चर, नए बेस का, बेसमेंट का निर्माण हुआ, और एक बड़ी टीम बनानी थी। मैं तो बहुत ही 2-4-5 हज़ार की छोटी सी सोच के साथ आया था, लेकिन शायद ईश्वर को मंजूर था कि टीम 2-4-5 हज़ार की नहीं बल्कि लाखों में जानी चाहिए, और ऐसा हुआ अभी। और उसका परिणाम ये हुआ कि फिर से हमने नई जिम्मेदारी के साथ दोबारा से शुरुआत की, जो गलतियां थी उन पर काम किया, कमजोरियों पर काम किया, और काम करने के बाद कि दोबारा से नई ऊर्जा के साथ, फुल प्लानिंग के साथ काम करने की शुरुआत कर दी, और उसका परिणाम आज आपके सामने है। हमने 3 कार्डन रूल के महत्व को समझा। हमारे अपलायन हमेशा, संजय जैन जी आते थे, वो हमेशा ही 3 कार्डन रूल के महत्व को समझाते थे और बताते थे कि जो व्यक्ति लॉन्ग टर्म का बिजनेस करना चाहता है, जो लाखों की टीम खड़ा करना चाहता है, एक जो बहुत लंबा जाना चाहता है, उनको 3 कार्डन रूल को समझना चाहिए और उन्हीं को फॉलो करना चाहिए। वो हमेशा सिस्टम के भक्त थे, सिस्टम को प्रमोट करते थे, सिस्टम की बातों को प्रमोट करते थे। वो बताते थे कि आप अपने उपस्थिति में जितना बड़ा बिजनेस कर पाते हैं, उतना ही बिजनेस अगर आपकी अनुपस्थिति में होता है तो ये ज़्यादा बड़ी जीत है, ये हमारी ज़्यादा बड़ी सफलता है। हमारे न रहने के बावजूद भी बिजनेस चलता रहे, ये सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की मदद से ही संभव हो सकता है, क्योंकि आदमी तो टेम्परेरी होता है, सिस्टम परमानेंट होता है, इसीलिए वो हमेशा सिस्टम को महत्व दिया करते थे। हमने वेन्यू डेवलप किए, सिटी होस्ट नियुक्त किए, हमने अपने आप पर काम किया, खुद को कभी बड़ा नहीं बनाया और ना ही खुद को प्रमोट किया, हमेशा सिस्टम को बड़ा बनाया, सिस्टम को ग्रेट बनाया, और ग्रेट होता भी है सिस्टम, और सिस्टम को ही प्रमोट किया। कभी नेटवर्क में क्रॉस लाइन को बढ़ावा नहीं दिया, क्योंकि इन सारी चीज़ों को हमने समझ लिया था। हमने कई बार बड़े बड़े नेटवर्कर्स की ऑडियो को सुना, उनकी किताबों को पढ़ा, सुना, समझा, देखा। इस इंडस्ट्री के ऊपर जो कई सारी किताबें थी, उन किताबों को पढ़ने की शुरुआत की, और तो उनसे हमारी सोच विकसित हुई। हमने कई बार अपना दिमाग लगाने का सोचा भी, मन भी किया, लेकिन लगाया नहीं। ऑलवेज सिस्टम फर्स्ट, अपलायन फर्स्ट, हमेशा थर्ड पार्टी के लिए अपनी अपलायन को साथ में रखा और उनका सहयोग लिया, और इसी दरमियान में ढेर सारे अनुभव मिले। वो अनुभव खट्टे भी थे, कुछ मीठे भी थे। हमको बहुत सारी चीज़ों से सीखने के लिए मिला, लेकिन बहरहाल हमारा बिजनेस चलता रहा, इस बिजनेस में हम डटे रहे और आज आपके सामने हैं। हमने बहुत कुछ सीखा, और कई बार हमको मालूम नहीं था कि हम सीख रहे हैं,
काम करते करते हमने सीखा। कई बार अपलाइन का सिखाने का तरीका कुछ अलग होता है, सिस्टम का सिखाने का तरीका कुछ और होता है, अलग होता है। मुझे याद है कि एक बार ओम प्रकाश जी और संजय जैन जी के साथ में मुझे गुजरात ट्रिप पर जाने का मौका मिला। वहाँ पर मैंने बिजनेस का एक विशाल स्वरूप देखा। क्रॉस लाइन लीडर्स के लीडर्स को को लाइन लीडर्स के साथ देखा कि वो किस तरह से काम करते हैं, उनके काम करने के तरीके को समझा। वहाँ से एक सोच विकसित हुई, वहाँ से बहुत कुछ सीख करके आए, एक बड़ा विजन लेकर के आए कि हम भी इतना बड़ा काम खड़ा करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि कभी कभी प्रकृति आपके साथ आपके हिसाब से नहीं करती, हमारे अनुकूल नहीं करती, लेकिन हम जानते हैं कि जो भी करती है हमेशा अच्छा करती है। तो कई बार मुझे ऐसे लगा कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा, लॉन्ग टर्म में मेरे लिए वो हमेशा सब कुछ अच्छा ही साबित हुआ। हमने हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमारे अपलाइन हमारे साथ में थे, सिस्टम के में साथ में था। तो कई सारे चैलेंज जिनको हम चैलेंज समझते हैं, वो चैलेंज हमारे लिए अपॉर्चुनिटी साबित हो गए। शुरुआत के दिनों की कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं जब काम करता था तो मेरे ही समकक्ष एक लीडर हुआ करते थे, तो हमेशा कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम हुआ करती थी और बात बात पर वो झगड़ते थे, और अक्सर ही कोई ना कोई उनका इश्यू बना रहता था। तो मैं उनकी कंप्लेंट करता अपनी अपलाइन से, तो उन्होंने बोला कि माधव जी इतना बड़ा काम कर जाओ आप, इन लोगों से आप दूर अपने आप ही होते चले जाओगे। और हमारे साथ हुआ भी यही कि हम धीमे धीमे करके काम पर अपने फोकस किया, उन लोगों पर ध्यान नहीं दिया बल्कि अपने काम पर ध्यान दिया, और काम पर ध्यान दिया तो आज वो लोग कहीं दूर तक नज़र नहीं आते, लेकिन हमारा काम बहुत बड़ा खड़ा हो गया। एक बार की बात है कि किसी बाहर के शहर में वेन्यू सिटी का एड्रेस हमें चाहिए था, हमारे कुछ लीडर्स को डिमांड थी कि वहाँ का एड्रेस अगर मिलेगा मीटिंग का वेन्यू का तो अच्छा रहेगा। अपलाइन के थ्रू हमने जानने की कोशिश की, तो जो वहाँ पर वेन्यू ऑपरेट करते थे उनको शायद कंफर्टेबल फील नहीं हुआ। तो हमारी अपलाइन ने समझाया कि भाई कब तक दूसरों के कंधों पर बंदूक चलाओगे, कब तक दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे, अपनी जिम्मेदारी खुद ही समझो, अपनी जिम्मेदारी समझो और दृढ़ निश्चय करो। इस बात ने थोड़ा सा हमको झकझोर दिया और मैंने कमिटमेंट किया कि ठीक है सर, आज के बाद हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, किसी के भरोसे नहीं रहेंगे, पूरे भारत में अपने वेन्यू चलाएंगे, जिम्मेदारी लेंगे। और हुआ भी वही, उस दिन के बाद कभी भी हमको किसी का एड्रेस जानने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने हमारे लीडर्स के साथ मिलकर के पूरे भारत में वेन्यू खोले और परिणाम आपके सामने। मैं एक बार लखनऊ गया तो वहाँ पर एक लीडर हुआ करते थे, उस समय पर मेरा काम ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा था, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया एक नई आईडी देने का। मुझे लगा कि क्या ये नौबत आ गई है भाई, तो मेरी नज़रों में उसने मुझे मोटिवेट कर दिया। अब तक मैं दृढ़ संकल्पित नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसा व्यवहार करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए तत्पर तैयार हो गया, और आकर के फिर मैंने बहुत मेहनत करना शुरू किया। परिणाम आपके सामने है। मैं आपको भी ये बोलना चाहूँगा, आपके सामने कई बार चैलेंज आएंगे, किसी भी रूप में होंगे, उनको चैलेंज के रूप में नहीं बल्कि आप अपॉर्चुनिटी के रूप में देखिए। आप वहाँ से उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने फेवर में कैसे ले सकते हैं, इस चीज़ को हमेशा आपने ध्यान रखना है, फोकस करना है। अपॉर्चुनिटी आती है लेकिन वो किसी न किसी रूप में छुपी होती है, हमको पहचानना पड़ेगा। अवसर आएगा, हमको पहचानना पड़ेगा और उसको अपने फेवर में करना होगा। आपने एक लाइन सुनी होगी, जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो चाह तो आपकी है ही दोस्तों, चाहते तो आप हैं ही। अपॉर्चुनिटी दरवाज़ा खटखटाती है और आपका दरवाज़ा खटखटाया है तो आपकी किस्मत में भी है, बस लगे रहना है। किस्मत कैसे बुलंद होगी हमको अंदाज़ा भी नहीं लग पाएगा। किस्मत की बात करूं तो दो लाइनें मैंने कहीं से सुनी थी कि हाथों की लकीरों पर यकीन मत करना दोस्त, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, और इस बिजनेस में बने रहना आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। इस संबंध में कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हमेशा अपने आप से एक प्रश्न जरूर करना कि इस बिजनेस में आप किस लिए आए हैं, 1,000, 2,000, 4,000, 10,000 की टीम बनाने के लिए या फिर लाखों की टीम बनाने के लिए। कभी भी अपने अंदर बदलाव करना हो, अपनी कमजोरियों पे काम करना हो, मेहनत करनी हो, तो मैं क्यों करूं, तो आपको इसका जवाब अपने आप मिल जाएगा। आप बिजनेस में किस लिए आए हैं, 2,000-4,000 की टीम बनाने के लिए या फिर लाखों की टीम बनाने के लिए। जो व्यक्ति 2,000-4,000 की टीम बनाने के लिए आए हैं वो बदलाव नहीं करेगा। जो 2,000-4,000 की टीम बनाने के लिए आए हैं
वो कंट्रोल नहीं करेगा, वो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेगा, वो सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा, लेकिन वही व्यक्ति बदलाव करेगा जो लाखों की टीम बनाने के लिए आया है, जो विजन लेकर के आया है, जो विजनरी है, वही अपने अंदर बदलाव करेगा। अपने आप को नियंत्रित करना, अपने आप को व्यवस्थित करना सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जो विजनरी है और बहुत बड़े विजन के साथ इस बिजनेस में आया है, काम कर रहा है। अपनी कमजोरियों पर काम वही करेगा जो एक महान लक्ष्य के साथ आया है, जिसका कोई एक लक्ष्य स्पष्ट है, एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ आया है, उसके ड्रीम है, उसका कोई गोल है, उसको अचीव करना चाहता है, अपने आप को प्रूव करना चाहता है, ज़िंदगी में तरक्की करना चाहता है, बहुत आगे जाना चाहता है, उसे ख्वाब हैं माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, पत्नी के लिए, दोस्तों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, वो आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। अपनी ईगो पर भी वही व्यक्ति कंट्रोल करेगा जो बहुत बड़े लक्ष्य के साथ काम कर रहा है, जिसे ग्रेट लेजेंड की कैटेगरी में शामिल होना है, वरना लोग आते हैं और आकर के निकलते चले जाते हैं। आपको भी अपने साथ में सैकड़ों डायमंड बनाने हैं, श्री संजय जैन जी की तरह, श्री चतुर्वेदी साहब की तरह, श्री ग्रेवाल साहब की तरह बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है। तो हम देख पाते हैं कि आज इस बिजनेस के लिए वो रोल मॉडल बने हुए हैं, तो आने वाले समय में आप भी लोगों के लिए रोल मॉडल बनने वाले हैं। वही लोग अपने अंदर बदलाव करने के लिए तैयार रहेंगे जो बहुत बड़े लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, और मुझे पूरा मालूम है, भरोसा है कि आप लोगों का भी बहुत बड़ा लक्ष्य है, आप लोग भी एक बहुत बड़े मिशन के लिए काम कर रहे हैं, आप लोगों के साथ भी एक जिम्मेदारी है, और मैं इस बात के लिए आपको सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। इस बिजनेस को करने के लिए हमेशा 3 कार्डिनल रूल और 3 पावर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। 3 कार्डिनल रूल को समझिए। 3 कार्डिनल रूल को समझ करके उसको फॉलो करके ही आप एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। 3 पावर्स को बार बार समझाया जाता है, इन 3 पावर्स को समझ करके ही बहुत बड़ा काम खड़ा किया जा सकता है। 3 पावर्स, एकता की शक्ति, बोले हुए शब्दों की शक्ति और समर्पण की शक्ति, ये 3 पावर्स हैं। इन पर जिस व्यक्ति ने काम कर लिया वो व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है और अपनी ज़िंदगी में भी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है। इनको समझना है अच्छे से, और मैंने भी यही किया। मैं हमेशा ही जब भी ट्रेनिंग्स में जाता था, किताबें पढ़ता था, तो मैंने उन किताबों को समझा, इन कार्डिनल रूल्स को समझा, 3 पावर्स को समझा, और उसका असर नेटवर्क में भी देखने के लिए मिलता है। मैं और मेरे साथ में ढेर सारे लीडर्स हैं जो हमारे साथी हैं, जिन पे आज मुझे बड़ा ही फख्र महसूस होता है, वो लोग बहुत अच्छे से इसका पालन करते हैं, फॉलो करते हैं, और आज हमारा नेटवर्क एक ड्रीम नेटवर्क बना हुआ है। कोई मुझसे पूछे कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, काम करें तो कैसा करें अपलायन के लिए, तो मैं यही बोलना चाहूँगा, इतना बड़ा काम करें कि हम अपनी अपलायन की धरोहर बने, न कि उन पर बोझ बने। किसी व्यक्ति को काम करना हो, ऐसा करे कि अपलायन के लिए तोहफा साबित हो जाए, अपनी अपलायन के लिए एक वरदान साबित हो जाए, अपनी अपलायन के लिए एक एसेट बने। एसेट बनना है हमें अपनी अपलायन का, और डाउनलाइन के लिए एज ए गार्जियन का रोल निभाना है हमें। उनको लगना चाहिए कि हाँ, पेरेंट्स के बाद अगर कोई है तो हम ही हैं, क्योंकि वो हमको कॉपी करते हैं, हमको फॉलो करते हैं, हमारे पद चिन्हों पर चलते हैं। हम गलत चलेंगे तो भी वो कॉपी करेंगे, हम सही चलेंगे तो उनको भी वो कॉपी करेंगे। तो टीम के साथ ही हमारे जो डाउनलाइन हैं, उनको फक्र हो, उनको अच्छा महसूस हो कि हाँ, हमारे अपलाइन हैं, उनको गर्व महसूस हो आपका नाम लेते हुए, क्योंकि ऐसा बोला जाता है, हर एक लीडर एक कांच के घर में रहता है, वो जो करता है वो दिखाई देता है, दूसरे लोग सारी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देखते हैं। हमारी वो सारी बातें डुप्लीकेट होती हैं जो हम करते हैं, न कि वो जिनको हम बोलते हैं। तो करें वही जो हम बोलते हैं। इट इज़ फैमिली बिजनेस, हमारा बिजनेस है जो फैमिली बिजनेस है, और 3 कार्डिनल रूल इसी बात की ओर इशारा करते हैं। 3 कार्डिनल रूल के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा। सबसे पहला नियम है, कोई भी काम पहली बार और नया अपलायंस से पूछे बिना कभी नहीं करना चाहिए। कोई भी काम पहली बार और नया हो, अपलायंस से पूछे बिना नहीं करना चाहिए। कभी भी अपनी अपलायंस को सरप्राइज नहीं देना। ऐसा बोला जाता है, सूझे से बूझा भला। कभी भी अपनी अपलायन को सरप्राइज ना दें। कोई भी काम नया करते हैं, करिए, लेकिन सलाह मशवरा करके। और एक होता है, जब भी अचीवमेंट आता है तो लगता है कि साला मैं तो साहब बन गया, तो ये बिजनेस ऑलरेडी शॉर्टकट है, और इसको शॉर्टकट नहीं बनाना। शॉर्टकट का शॉर्टकट नहीं होता, क्योंकि अपलायन को इसलिए पूछना है कि
कि वो सारे फेस से होके गुजरा हुआ है, उसे सब चीज़ पता है। कई लोगों को लगता है कि मैं ऑफिस खोल लेता हूँ, दो लड़कियाँ रख लेता हूँ, किसी को लगता है कि न्यूज़पेपर में ऐड दे देता हूँ, किसी को लगता है कि चलो होर्डिंग बोर्ड लगवा देता हूँ, किसी को लगता है कि न्यूज़पेपर में एक अलग से प्रिंट करा के पेपर रखवा देता हूँ, चारों तरफ एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। ये सारी चीज़ों का अनुभव अपना हरी अपलायन को पहले से है, वो या तो करके देख चुके हैं या दूसरे के करे हुए से सबक ले चुके हैं, उनको पता है इस बिजनेस को कैसे बढ़ाना है। ग्रेवाल साहब आज इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर चुके हैं, संजय जैन साहब इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर चुके हैं, तो उनको स्टेप स्टेप का पता है। और जिनके साथ हम रह के काम कर रहे हैं, वो कोई भी लीडर कोई भी अप्लाइन क्यों ना, वो सब जानते हैं, तो क्यों ना उनका सलाह लेकर के उनके साथ बिजनेस करें, इस हमारे लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, पहली चीज़। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस बात को आप फॉलो करते भी हैं और करेंगे भी। दूसरा, नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉसलाइन। हमारे बिजनेस में कुछ भी नेगेटिव डिस्कशन करने के लिए डाउनलाइन के साथ या क्रॉसलाइन के साथ करना ठीक नहीं होता। और लेकिन डिस्कस करें तो किससे करें, अपलाइन से। तो ये भी याद रखें, अपलाइन भी हमारा कोई डस्टबिन नहीं है कि वहाँ लिया हो जाके पटका कूड़ा। बी योर अपलाइन एसेट, अपनी अपलाइन का हमें एसेट बनना है। तो कोई बात लगती है उसको हम डिस्कस करें, अपनी अपलाइन के साथ डिस्कस करें, लेकिन कभी भी किसी भी संबंध में अपनी अपलाइन के अलावा डाउनलाइन से क्रॉसलाइन के साथ कभी भी बिजनेस को डिस्कस ना करें। खासतौर पर क्रॉसलाइन के लीडर्स के साथ कभी भी हम बिजनेस डिस्कस ना करें, केवल हाय हेलो नमस्ते गले मिलना और जो भी हमारी फॉर्मेलिटी होती है वो जरूर करें, लेकिन इसके अलावा कभी बिजनेस को पर्सनल बातें कभी डिस्कस ना करें। और तीसरी चीज़, कभी भी किसी व्यक्ति की ईगो को हर्ट ना करें। ईगो को हर्ट करना मतलब हमको लगा जोश आ गया, किसी फंक्शन में से अटेंड करके आए, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, सामने वाले व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए गए और उसने बोला नहीं सोच के बताऊँगा, तो लगा कि इसको सोचता ही रहेगा ज़िंदगी भर, तुम्हारे दरवाजे पर हेलीकॉप्टर ला के खड़ा करूँगा तभी समझ में आएगा क्या, तभी तुम्हारे अकल के दरवाजे खुलेंगे क्या, तब जुड़ोगे क्या, तो उसकी ईगो हर्ट हो सकती है। हमने किसी की ईगो को हर्ट नहीं करना, हमेशा अपने दरवाजे सभी के लिए खुले रखने हैं। इसके अलावा किसी लोगों के टीम के लोगों के पैसे से खिलवाड़ भी नहीं करना, कभी भी भूल करके भी उस पैसे का इस्तेमाल अपने लिए नहीं करना। डिमांड ड्राफ्ट का पैसा, सेल का पैसा, प्रोडक्ट का पैसा उसी के लिए जाना चाहिए। कभी लगा कि इस पैसे को अपने पर्सनल यूज़ में ले लूं, इवन बाइक में कार में उस पैसे से कभी अपने लिए पेट्रोल भी नहीं डलवाना चाहिए, इवन मोबाइल रिचार्ज भी नहीं करना चाहिए, इवन पर्सनल एक रुपया भी पर्सनल काम में यूज़ नहीं करना चाहिए, ना ही किसी के साथ लेन देन होना चाहिए। हमारा बिज़नेस, हमारे बिज़नेस के एथिक्स इनके लिए अलाउ नहीं करती है। ये बिज़नेस ऑलरेडी एक बिज़नेस चल रहा है, दूसरा बिज़नेस खोलने से कोई फ़ायदा नहीं। हमने देखा है 14 सालों में बहुत सारे लीडर्स जो ग्रेट लीडर बन सकते थे, ग्रेट लेजेंड बन सकते थे, बहुत लंबा सफ़र तय कर सकते थे, लेकिन छोटी सी कमी को कंट्रोल न कर पाने की वजह से उनका बिज़नेस एम्पायर खराब हो गया, उनके आपस के रिलेशन ख़राब हो गए और वो यहाँ से निकलते चले बने। मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि कभी भी पैसे का लेन देन हमारे बिज़नेस में बिल्कुल भी चलता नहीं है, अलाउ नहीं करता है। और तीसरा है, पहला ईगो, दूसरा मनी और तीसरा स्पाउस, ये फैमिली बिज़नेस है। ऐसा बोला जाता है, पूरा समाचार पत्र बड़े हैं, पूरा मीडिया बिजी इन कामों में, चारों ओर आपको देखने के लिए मिलता है कि दूसरे की अच्छी लगती है, दूसरी कंपनी, दूसरे का खेत और दूसरे की बीवी अच्छी ही लगती है, लेकिन आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये फैमिली बिजनेस है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी को हमेशा ध्यान रखना है। ये फैमिली बिजनेस है, हमको इस कदर बिजनेस करना है कि अगर कोई फैमिली मेम्बर हमारे साथ रात को 2 बजे भी हो तो फैमिली वालों को ये लगना चाहिए कि हाँ वो सही जगह पर है, सेफ जगह पर है। इस बिज़नेस को बनाने में वक्त नहीं लगता, कैरेक्टर को बिल्ड करने में वक्त लगता है। योग्यता से सफलता मिलती है लेकिन चरित्र से सफलता मेंटेन होती है। ढेर सारे उदाहरण हैं, इतिहास में भरे पड़े हैं, आप लोगों के साथ हमेशा टाइम टू टाइम शेयर होते होंगे। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और सलाह भी देना चाहूँगा कि ये जो 3 कार्डिनल रूल हैं, इनको हमने सदा ही समझा, मेंटेन किया, फॉलो किया और आज हमारे जो ग्रेट लीडर्स हैं वो सभी इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं और इन्हीं की वजह से वो एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर रहे हैं। कुछ टिप्स हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो मैंने सीखी। एक सच्चा लीडर जो ग्रेट लेजेंड बनना चाहता है, सुबह 8 बजे उठने से पहले ये 5 काम कर लेता है, उनको मैं बताना चाहूँगा शेवर के रूप में, SAVER, शेवर। S, साइलेंस, सुबह आप उठते हैं
कितने बजे भी उठें, 5 बजे 6 बजे आपको जब भी लगता है, लेकिन 8 से पहले सारे काम हो जाने चाहिए। उठते ही भागा दौड़ में न लग जाए, उठते ही फ़ोन उठाया व्हाट्सएप चेक न करने लग जाए, उठते ही तुरंत कॉल रिपोर्टिंग लेना न शुरू कर दें, उठते ही बाकी कामों में न लग जाए, उठते ही फेसबुक स्टेटस चेक करने न लग जाए, उठते ही सबसे पहला थोड़ी देर, मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट साइलेंस मेंटेन करें। और उस साइलेंस मेंटेन करते वक्त ऊपरी शक्ति को आप धन्यवाद दीजिए, ग्रेटिट्यूड का भाव अपने अंदर लाइए कि आज जो कुछ भी है ऊपर वाले परमात्मा की वजह से हैं और हमको खुशियाँ मिल रही हैं, उनके लिए ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिए। साइलेंस, एस ए अफर्मेशन, जो भी हम मौन अवस्था में जो हमारे मन मस्तिष्क में विचार चलते हैं उनको इस ब्रह्मांड से हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो बोलिए आप अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने भविष्य के लिए क्या चाहते हैं। उस समय आपके दिमाग में मन मस्तिष्क में वो सब विचार चलने चाहिए, इसको हम बोलते हैं अफर्मेशन। इस पर ध्यान दीजिए, जो भी आप चाहते हैं तरक्की करना, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, देश के लिए, अपने लिए, कुछ भी, अफर्मेशन। एस ए वी विजुलाइज, आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो कैसी तस्वीर हो, कैसी आपकी डायमंडशिप होगी, कैसी आपकी ड्रीम टीम होगी, कैसी आपकी कार होगी, कैसी आपकी ज़िंदगी होगी, परिवार के लिए क्या, पेरेंट्स के लिए क्या, उन सारी तस्वीरों को आप एक एक करके दिमाग में लाइए, विजुलाइज। एस ए वी देन ई एक्सरसाइज, ये 3 काम करने के बाद चाहे 5 मिनट ही सही, चाहे 7 मिनट ही सही, चाहे 10 मिनट ही सही, अपनी सुविधा के अनुसार कुछ न कुछ एक्सरसाइज के रूप में जरूर करें, ऐसा बोला जाता है। और देन आर, राइट डाउन योर टास्क टू योर डेली टास्क बोर्ड, आपका आपके रूप में टास्क बोर्ड लगा होगा, विजन बोर्ड लगा होगा, तो आज पूरे दिन का टास्क उस पर राइट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि आज मुझे पूरे दिन में क्या करना है, और ये 8 बजे पहले पहले सारे काम हो जाएंगे तो आप देखिए आपके बिजनेस में तरक्की डेफिनेटली आने वाली। और मुझे मालूम है आप में से ढेर सारे लोग ऐसा करते हैं और करने के लिए तैयार भी होंगे। इस बिजनेस में जो ड्रीम टीम बनी है या ड्रीम टीम बनने की तरफ हमारी टीम आगे बढ़ रही है उसमें ढेर सारे लोगों को क्रेडिट जाता है, सिस्टम को क्रेडिट जाता ही है, हमारे ग्रेट मेंटर्स को क्रेडिट जाता ही है, हमारी ग्रेट अपॉर्चुनिटी को क्रेडिट जाता है, ग्रेट विजनरी डायरेक्टर्स को क्रेडिट जाता है। इसके अलावा हमारे साथ में काम करने वाले जो हमारे लीडर्स हैं वो बहुत ही विजनरी हैं, वो लोग बहुत ही मेहनती हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे खुद उनसे सीखने के लिए मिलती हैं। और ढेर सारे लीडर्स हैं जिनका सेक्रीफाइस है टीम के लिए, उन्होंने काफ़ी बदलाव किया है, उन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है, जो आपके रोल मॉडल बने हुए हैं, आपके साथ जोड़ी कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा और ये बोलना चाहूँगा अपनी अपलाइन के साथ जोड़ी बनाइए और जोड़ी बना के काम करिए, आने वाले समय में एक नया भविष्य, नया कल आपका इंतजार कर रहा है। इस बात के लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं।